हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बाधु थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आज का बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज फाइनली हमारा जो मेन वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में हमने जो वेबसाइट क्रिएट किया था उसको आप लाइव सर्वर पे कैसे होस्ट कर सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हो गाइस, आप पहले मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हो, तो आज जो वेबसाइट में होस्ट करने जा रहा हूँ वो ये वेबसाइट है। We have a latest work, we have a services, animated numbers, resume, our happy clients जो कि automatic scroll होता है, parallax effect, hire me, contact us, footer, perfect, responsive, सब कुछ आपको मिलेगा। इससे पहले दो बाकी के previous video में मैंने आपको ये बताया कि आप इसको Netlify में बिल्कुल free में कैसे host कर सकते हो। Then मैंने आपको ये बताया कि आप Firebase में बिल्कुल free में कैसे host कर सकते हो। बट उसमें देन गाइज हमारे पास वो बैकएंड वाला जो एडमिन पैनल होता है वो हमें नहीं मिल रहा होता है। बट गाइज कहीं ना कहीं उसमें कुछ लिमिटेशंस है जो शायद हमें पसंद नहीं आएगा। लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड अगर आप अपना खुद का एक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो, खड़ा करना चाहते हो उसको, तो गाइज अगर आपका कंपनी के लास्ट में इस तरीके से .netlify.app.firebase.com इस तरीके से लिखा होगा तो उनको लगेगा यार ये कैसे कंपनी, एक सर्वर भी इनके पास नहीं है बोल के। सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ अ पेड सर्वर, क्योंकि एट द एंड में तो आपको अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड चाहिए, एक पर्सनल ईमेल चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए। तो गाइस आपका वो जो एक पर्सनल स्पेस है, अगर आप अपने ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो, देन यू हैव टू गो विद द पेड वन। तो गाइस आप कह लीजिए कि ये मिनिमम चीज आपके पास होना ही चाहिए एंड आज के टाइम में सर्वर भी बहुत ही ज्यादा सस्ता हो चुका है। सो गाइस दैट्स व्हाई इन टुडेज वीडियो मैं आपको होस्टिंग सर्वर पर बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट को लाइव होस्ट कैसे कर सकते हो। एंड गाइस इफ यू ऑलरेडी हैव एनी एग्जिस्टिंग सर्वर तो आप उस पर भी होस्ट कर सकते हो, बट मैं होस्टिंग इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं बिकॉज गाइस होस्टिंग इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर विद ऑसम सर्विसेज एंड द चीपेस्ट प्राइस। जी हाँ गाइस, चीपेस्ट मैं नहीं बोलूंगा, अफोर्डेबल बोलूंगा एंड इससे सस्ता आपको बाकी कोई सर्वर प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप देख सकते हो गाइस इसमें कुछ प्लान है, लाइक वी हैव अ प्रीमियम वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग, सिंगल वाला को किसी काम का नहीं, नेवर गो विद सिंगल वेब होस्टिंग, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद द सेकंड और द थर्ड ऑप्शन एंड इन माय केस आई थिंक प्रीमियम वेब होस्टिंग इज बेस्ट बिकॉज 100 से ज्यादा वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। You will get a free email, free SSL certificate, free domain, unlimited bandwidth. आप WordPress को भी इसमें मैनेज कर सकते हो, Git access सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। सो गाइस आपको सिंपली एड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट ये है गाइस कि अब आप देख सकते हो कि ऑन द स्पॉट ही यहाँ पे देखा आपने इसकी प्राइस कम हो गई है। सो गाइस आप लोगों के लिए और इसको सस्ता करने के लिए आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड फॉर यू गाइस, जहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम बॉटम पे हैव अ कूपन कोड पे आपको क्लिक करना है। आपको सिंपली लिख देना है डेट इज थापा 7 एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 7% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो गाइस ये सोने पे सुहागा वाला बात हो रही, जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी कम है उसके ऊपर से 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप देख सकते हो 8000 देखने में लग रहा बट गाइस 4 साल के लिए एंड 4 साल में अगर आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके उस पर गूगल एडसेंस का एड रन करते हो तो आप 8 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। मे बी आप 1 लाख भी कमा सकते हो बट इवन 4 साल में 8000 दे के सर्वर बाय करके अगर आप 1 लाख का फायदा उठा रहे हो तो गाइस 8000 तो बच्चा है उसके सामने, राइट। सो डेट्स वाई ये सबसे सस्ता है एंड जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो आपका 8400 था वो भी अब आपका 7800 हो गया। माय गॉड और सस्ता। तो ये जो कूपन कोड को तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा अप्लाई करना, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, तो उसी लिंक से आप बाय करके इस कूपन कोड को जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एंड वंस जब आप इसको अप्लाई करते हो तो सबमिट सिक्योर पेमेंट इसको बाय कर लीजिएगा एंड देन सिंपली गाइस आप इसको लॉग इन कर लीजिए। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने सिंपली इस पर लॉग इन कर लिया है, ठीक है। तो अब फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आपको सिंपली टॉप पे होस्टिंग दिख रहा है उस पर जाना है। ऑलरेडी मैंने जो 2 डोमेन है उसको यहाँ पे ऐड करके रखा है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि आप 100 वेबसाइट से ज़्यादा होस्ट कर सकते हो, तो सिंपल वही है, मैंने ऑलरेडी 2 रखा हुआ है। तो ये जो थापा वेब डेवलपर डॉट कॉम है, मैं इस पर आपको हमारा ये जो लाइव वेबसाइट जो हमने क्रिएट किया था, प्रोफेशनल वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसको मैं होस्ट करके बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपने उस पर क्लिक की, वी हैव एकदम बॉटम पे देखिए नाउ पेज स्पीड बहुत कुछ इसमें SEO WordPress सब मिल जाएगा। तो फाइल मैनेजर पे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड इट्स योर H पैनल नॉट अ C पैनल, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम बट H पैनल में आपको इंटरफेस और ऑसम मिलता है। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे चलना है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ आई थिंक थापा वेब डेवलपर डॉट कॉम, ठीक है, ये जो वेबसाइट आप देख सकते हो इस पर लिखा है सिर्फ थापा टेक्निकल पोर्टफोलियो कमिंग सून, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी को ऐड करके रखा। अब वो फाइनली घड़ी आ गई है जब मैं इस पर अपने वेबसाइट को लाइव करने जा रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट HTML था इसको अब मैं कर रहा हूँ डिलीट,
क्योंकि इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो कैसे आपको ये भी नहीं दिखाई देगा, देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर काउंटर है इसको आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, एक काम करते हो इसको भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से डिलीट। तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी सर्वर बाय करते हो तो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर आपको इस तरीके से एम्प्टी दिखाई देता है, बेसिकली एक इंडेक्स डॉट पीएचपी दिखाई देगा। तो अब आपको क्या करना है, हमने जो ये कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट किया था इन सबको गाइस मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेंड टू जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इस तरीके से। एंड आई थिंक मुझे इसको इमेजेस नहीं लिखना है क्योंकि नाम कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, थापा लिख देता हूँ, थापा वेब, दिस इज इट। तो मुझे किसी तरीके से अब ये जो फोल्डर है जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे है ये मुझे सर्वर पे होस्ट करना है ताकि दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी कोने से इस वेबसाइट को लाइव सर्व कर सके। सो मैं सिंपली चलना चाहूँगा अपलोड फाइल पे, सिलेक्ट फाइल्स पे। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, जस्ट अभी मैंने जो जिप फोल्डर क्रिएट किया था उसको मैंने कॉपी की, आपको देन अपलोड पे क्लिक कर देना। एंड आप देख सकते हो गाइस कितना फास्ट ये अपलोड होता जा रहा है आपका। एंड गाइस आप देख सकते हो कि कितना सुपर फास्ट है हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज इट। अब आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो वंस जब आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता तो ये जो जिप वाला है उसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये जितने भी आपके फाइल्स एंड इमेजेस के जो एसेट्स है वो आपका मेन पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर होना चाहिए। इन सबको मैंने सिलेक्ट की, मैं मूव करूंगा, चेंज करना है मुझे डेस्टिनेशन, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर चाहिए, सेलेक्ट दिस एंड देन अगेन मूव, दिस इज इट। अब मैं अगर इसके अंदर चलता हूँ सो वी हैव आवर कंप्लीट फाइल्स एंड फोल्डर जो मैंने हमारे सर्वर के अंदर होस्ट कर दिया है। बेसिक मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपने हार्ड ड्राइव पे इस तरीके से रखा एंड इसको जब मैंने एक्सेस की तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही इसको देख पा रहा हूँ और कोई इसको देख नहीं पाता है। बट वहीं अगर आपको लगता है कि मेरे हार्ड ड्राइव में जो फाइल्स है किसी तरीके से मैं एक सर्वर क्लाउड पे रख दूँ ताकि दुनिया में कोई भी लोग उसको एक्सेस कर सके, सो वो जो एक सर्वर है जहाँ पर आप होस्ट करके ताकि दुनिया के लोग देख सके उसी को ही हम सर्वर बोलते हैं, सिंपल। जिसमें होता क्या है कि आपको भी एक हार्ड ड्राइव का एक स्पेस मिलता है जब आप सर्वर बाय करते हो। एंड हम फाइल मैनेजर, आप समझ लीजिए कि मेरा ये हार्ड ड्राइव है, ई हार्ड ड्राइव या डी हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल हमारा मेन फोल्डर है, जिसके अंदर हम जो भी ऐड करेंगे वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा जब भी उस यूआरएल पे कोई विजिट करता है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, से हो गया। आप टाइम चाहो तो आप टाइम देख लो, विद इन अ सेकेंड्स, इट्स लाइक हार्डली 10 सेकेंड्स जब मैंने होस्ट किया एंड कुछ बातें की एंड जब मैंने रिफ्रेश की मेरा हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो कि होस्ट इंजन में कितना ज़्यादा सिंपल है किसी भी वेबसाइट को लाइव होस्ट करना। इट्स सुपर डुपर इजी, सुपर फास्ट, सर्विस बहुत ऑसम है, प्राइस बहुत चीप है, ऊपर से है भाई स्पेशल कूपन कोड डैट इज थापा 7 फॉर एक्स्ट्रा 7% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। सो गाइस इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर आप अपनी ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, अगर आप अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो फ्रीलांसिंग करना, यू नीड वन सर्वर एंड दिस इज द बेस्ट, मैं लिख के देता हूँ। सो गाइस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर कुछ डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो गाइस आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि थ्रू आउट दिस सीरीज मैंने आपको बताया कि आप प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैंने प्रोवाइड की, देन मैंने इसको दो सर्वर बेसिकली दो कंपनी डेट इज नेटलीफाई में फ्री होस्ट करके बताया, फायरबेस में भी मैंने आपको फ्री होस्ट करके बताया। बट देन मैंने अगेन आपको कहा अगर आप एक प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहते हो, ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू नीड टू बाय वन सर्वर एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस। एंड मैंने आपको ये भी दिखाया कि अब आप लाइव सर्वर पे कैसे होस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ होस्टिंजर। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस सर्वर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद माय एक्स्ट्रा 7% का कूपन कोड डेट इज थापा 7, अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये जो है इससे सस्ता आपको कभी नहीं मिलने वाला। सो गाइस बताना चाहूंगा कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।